engine assembly, transmission. दाएं क्रैंककेस को इंजन जिग पर लगाइए। लगाने से पहले M3, C4 और C5 गियर्स के शिफ्ट फोक ग्रूव पर मॉली ऑयल लगाइए। मॉली ऑयल मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड ग्रीस और इंजन ऑयल का 1:1 में मिश्रण होता है। अब दिखाए गए तरीके से मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट असेंबली को एक साथ पकड़कर क्रैंक केस में लगाइए। ये सुनिश्चित करें कि M2 और C2 एक ही सतह पर हों। गियर शिफ्ट फोक लगाने से पहले उसका अंदरूनी व्यास और क्लॉ की मोटाई नाप लें। सबसे पहले डिसअसेंबली के दौरान लगाए गए निशान R वाले शिफ्ट फोक को C5 गियर और फिर L निशान वाले फोक को C4 गियर पर फोक पर बने निशानों को नीचे की ओर करते हुए लगाइए। अब C निशान वाले शिफ्ट फोक को उस पर बने निशान को नीचे की ओर करते हुए M3 गियर पर लगाइए। गियर शिफ्ट ड्रम को लगाने से पहले उसके दोनों सिरों को खरोंच और खांचों को असामान्य घिसाव या किसी क्षति के लिए जांच लीजिए। प्रत्येक सिरे का बाहरी व्यास नापिए। गियर शिफ्ट ड्रम के पिन वाले सिरे को नीचे की ओर करके लगाइए। शिफ्ट फोक गाइड पिन्स को गाइड ग्रूव्स के साथ मिलाते हुए शिफ्ट ड्रम में लगाइए। गियर शिफ्ट फोक शाफ्ट लगाने से पहले दिखाए गए तरीके से 3 जगहों पर उसका बाहरी व्यास नापिए। अब गियर शिफ्ट फोक होल को क्रैंक केस होल के साथ मिलाते हुए गियर शिफ्ट फोक शाफ्ट को लगाइए। अब दूसरे गियर शिफ्ट फोक शाफ्ट को लगाने के लिए यही प्रक्रिया अपनाइए। अंत में काउंटर शाफ्ट को लुब्रिकेट करके घुमाइए और उसके मुक्त रूप से घूमने की जांच कीजिए। राइट क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग थ्रस्ट प्लेट लगाइए। क्रैंक शाफ्ट लगाने से पहले क्रैंक शाफ्ट रन आउट कनेक्टिंग रॉड साइड क्लियरेंस बेंड और ट्विस्ट की जांच कीजिए। टाइमिंग स्प्रॉकेट टीथ को घिसाव या क्षति के लिए जांचिए। क्रैंक शाफ्ट को लगा दीजिए। नए डॉवल पिन्स लगाइए। अब दिखाए गए तरीके से लिक्विड सीलेंट TB1215 की पतली परत लेफ्ट क्रैंक केस मेटिंग सरफेस की पूरी सतह पर लगाइए। ये सुनिश्चित करें कि मेटिंग सरफेस पर लिक्विड सीलेंट या ऑयल के अवशेष ना हो। क्रैंक केस को दिखाए गए तरीके से लगाइए। अब काउंटर शाफ्ट ऑयल सील गाइड को ऑयल सील में लगाकर लेफ्ट क्रैंक केस को बिठा दीजिए। क्रैंक केस लगाने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग न करें। यदि लगाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ रही है तो कोई पार्ट गलत लगा हुआ है। क्रैंक केस को अलग करें और गलत लगे हुए पार्ट की जांच करें।
लेफ्ट क्रैंक केस बोल्ट लगाकर उन्हें क्रिस क्रॉस प्रक्रिया में कस दीजिए। पहले सभी बोल्ट्स लगाकर बिना कसे क्रैंककेस और बोल्ट हेड के बीच की दूरी देखें। सभी बोल्ट्स की दूरी समान होनी चाहिए। अगर किसी बोल्ट की दूरी कम या अधिक है तो बोल्ट की सही स्थिति की जांच करें। अब इंजन को वर्टिकल पोजीशन में लाइए और राइट क्रैंक केस बोल्ट लगाकर कस दीजिए। फास्टनर्स को क्रैंक केस में गिरने से बचाने के लिए क्रैंक केस के खुले हिस्से को हमेशा शॉप टॉवल से ढकें। अब दिखाए गए तरीके से बेयरिंग सेट प्लेट लगा दीजिए। अब प्लंजर बेयरिंग पुश की पूरी सतह पर मोली ऑयल लगाकर क्रैंक केस में लगा दीजिए। मोली ऑयल मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड ग्रीस और इंजन ऑयल का 1:1 में मिश्रण होता है। स्प्रिंग लगाइए। बेयरिंग पुश प्लेट बोल्ट थ्रेड पर थ्रेड लॉकिंग एजेंट TB1322 लगाइए। पुश प्लेट लगाकर बोल्ट कस दीजिए।